सम्यास कुकिंग डायरी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं दो रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी कुल्फी और आइसक्रीम की। एक ही चीज़ से हम दो चीज़ बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैं एक कढ़ाई या फ्राई पैन जो आपके पास हो ले सकते हैं, उसमें 2 कप मैं दूध डालूंगी। दूध डालने के बाद इसका फ्लेम मीडियम रखना है और हमें चला लेना है। उसके बाद यहाँ 3 स्पून में यहाँ पे शुगर डाल रही हूँ और हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ 2 स्पून। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैं 1/2 कप यहाँ दूध डाल रही हूँ, इसे अच्छे से मिला दे रही हूँ। अच्छे से यहाँ मिला लिया है, यहाँ दूध उबलने लग गया है तो उसके अंदर हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए इसे डालना है और अच्छे से मिलाना है। अब गैस का फ्लेम हमें हाई कर देना है। इसे गाढ़ा कर दिया है मैंने और गैस ऑफ कर दिया है, उसके बाद उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पर 250 ग्राम अंगूर लिया है, उसको मिक्सी में पीस लेंगे। मिक्सी में इस तरह से पीस लिया है मैंने, देखिए। इसे हमें छान लेना है, तो हम छानेंगे इस तरह से। अब चम्मच से हमें थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए इसे दबाना है ताकि उसका जूस अलग हो जाए। जूस बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो गया। अब इसे हम फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद जो ये है मेरा दूध वाला मिश्रण, इसको भी हमें ठंडा करके इसे फ्रिज में रखना है 1/2 घंटे के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्रीम ले रही हूँ, व्हिपिंग क्रीम अमूल का है। ये टोटल 1 कप है। इसे अच्छे से हमें फेंटना है। जितना ज़्यादा आप फेंटेंगे उतनी अच्छी आपकी आइसक्रीम और कुल्फी बनके तैयार होगी। मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। उसके बाद यहाँ पीसी हुई शुगर डाल रही हूँ 4 स्पून। मैंने घर पे चीनी को पीस लिया है। उसके बाद इसके अंदर डाल रही हूँ, उसे फिर से हमें फेंटना है अच्छे से कम 5 मिनट तक। देखिए डबल हो गया है। और उसके बाद इसके अंदर मैं ये दूध वाला मिश्रण डाल रही हूँ, ये पूरी तरह से चिल्ड हो गया है 1/2 घंटे में। उसके बाद इसे अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं जूस डाल दे रही हूँ, चिल्ड हो गया है 1/2 घंटे के अंदर। मैंने फ्रीजर में रखा था ताकि जल्दी से चिल्ड हो जाए, फिर उसे अच्छे से मिला लिया है। अब यहाँ पे कलर डाल रही हूँ 1 पिंच ग्रीन कलर, अंगूर का कलर ग्रीन होता है, इसलिए अच्छे से फिर से मिक्स कर लिया है। अब ये इसके अंदर थैली या सिल्वर फॉइल जो लगाना चाहते हो लगा के इसे 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देना है। जब ये पूरी तरह से चिल्ड हो जाएगा, हल्का हल्का जमना स्टार्ट होगा, तो उसे निकालेंगे। देखिए गाढ़ा हो गया है, एकदम क्रीमी क्रीमी दिख रहा है। तो इसे फिर हमें फेंटना है 10 मिनट तक। 10 मिनट होने के बाद अच्छे से मेरा आइसक्रीम फिट गया है। अब इसके अंदर हमें भरना है, आपके पास जो कंटेनर हो, बट एयर कंटेनर होना चाहिए। उसके बाद इसे भर दिया है, आधा मैंने इसमें भरा है, आधा हमारा बचा हुआ है। तो अब इसमें कुल्फी बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे कुल्फी वाला मोल्ड ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप स्टील वाली छोटी छोटी ग्लास होती है, कांच वाली होती है, उसके अंदर आप डाल के और सिल्वर फॉइल लगा के उसे फ्रिज में रख दे 8 से 10 घंटे तक। तो मैंने इसके अंदर रख दिया है फ्रिज में 8 से 10 घंटे, छोड़ दिया था। उसके बाद देखिए ये हमारा आइसक्रीम जम के तैयार हो गया है। उसको ठंडे पानी में मैंने रख दिया थोड़ी देर, उसे इसे प्लेट में पलट दिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे और 1/2 घंटे के लिए हमें फ्रीजर में रख देना है। 1/2 घंटे बाद देखिए अच्छे से जम गया है, कलर भी बहुत अच्छा आया और एकदम क्रीमी क्रीमी ये आइसक्रीम बना है। अब यहाँ पे कुल्फी देख लेते हैं हमारा जमा है या नहीं। इसको भी हमें पानी में रखना है थोड़ी देर। उसके बाद बीच में एक छेद करना है और यहाँ स्टिक लगानी है, आराम से निकल जाएगा। और देखिए आराम से निकल रहा है। अगर आप लोगों को अंगूर की आइसक्रीम और कुल्फी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।